आज मैं बनाने जा रही हूँ इस तरह से पौष्टिक से भरा चना फ्राई। ये खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा यूजर आईडी है @remakitchen। यहाँ पर 500 ग्राम चना लिए हैं। चना को मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखे थे, फिर इसे पानी से बाहर निकाल कर 24 घंटा रखे हैं, तो इस तरह से अंकुरित हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग चना को बॉयल कर लेंगे। प्रेशर कुकर लिए हैं, इसमें डालेंगे चना, पानी डालेंगे एक गिलास, आधी चम्मच लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी नमक। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। चना को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब गैस को करेंगे ऑन और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 2 से 3 सीटी लगाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है। प्रेशर कुकर में 3 सीटी लगने के बाद गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। फिर इसका ढक्कन खोलना है। प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद इसका ढक्कन खोले हैं। ये देखिए चना अच्छी तरह से पक गया है। प्रेशर कुकर को अब साइड रख देंगे और एक कढ़ाई को गर्म कर लेना है। कढ़ाई को गर्म होते ही इसमें डालेंगे 2 से 3 छोटी चम्मच सरसों का तेल। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा हल्का चटक गया है तो इसमें जाएगा 3 से 4 स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज को मिला के ये मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट भून लेंगे। प्याज को पूरा नहीं गलाना है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट को कुछ सेकंड भूनने के बाद इसमें जाएगा 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी भुने हुए जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। सभी मसाला को 30 सेकंड भून लेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। सभी मसाला को मिलाते हुए 1 मिनट भून लेना है। 3 से 4 कटे हुए हरी मिर्च, यहाँ पे इसमें जाएगा उबले हुए चना। चना को पानी के साथ ही डालना है, पानी को फेंकना नहीं है। नमक डालेंगे 1 चम्मच। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। चना और नमक को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए 2 से 3 मिनट भूनेंगे, चना का पानी अच्छी तरह से सूख जाने तक। फ्लेम को मीडियम ही रखे हैं। चना का पानी अच्छी तरह से सूख गया है तो यहाँ पे इसमें जाएगा 2 से 3 कटे हुए टमाटर। बीच बीच में चलाते हुए टमाटर को भी 1 मिनट भून लेना है। थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच गरम मसाला। कसूरी मेथी और गरम मसाला को मिला लिए हैं। अब इसे 30 सेकंड इसी तरह भून लेंगे। ये चना फ्राई तैयार हो गया है तो इसमें थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डालकर मिला लेते हैं। हरी धनिया पत्ती को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये चना फ्राई बनके तैयार हो चुका है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाकर देखिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार। We'll be right back.